तो पिछले 3 दिनों में इतना कुछ हो गया कि सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिल रही। लिटरली एक दिन में तीन तीन वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, दिस इज गुड। और बस तुम्हें कैश करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यही वो कारण है जिस वजह से हम लोग बॉयज के सीजन 4 के ट्रेलर और हाउस ऑफ द ड्रैगन पे अभी तक बात नहीं कर पाए थे। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में इन सब के ऊपर बात कर ली जाए, और फिर मैंने सोचा कि जब उन दोनों को एक वीडियो में कवर कर रहे हैं तो फिर कल GTA 6 का ट्रेलर भी आया है, तो ये सब तक बहाना है। असली मौका तो GTA 6 पे बात करना है। खैर एक एक करके सब पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 पे। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का ट्रेलर ड्रॉप किया HBO वालों ने। ये अगले साल रिलीज किया जाएगा, और आई लाइक द वे दैट दे फिल्म दिस एंटायर सीजन, क्योंकि जब स्ट्राइक चल रही थी तो सारे के सारे शोज की फिल्मिंग बंद थी। लेकिन क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स की फिल्मिंग जो है वो यूके और यूरोप में मोस्टली होती है, तो इसी वजह से ये WGA और SAG-AFTRA के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहे थे। इसी वजह से इन लोगों ने अपने शोज की फिल्मिंग जारी, और इसी कारण से इसके सीजन 2 पर कोई भी असर नहीं पड़ा जो पूरे हॉलीवुड पर पड़ा है। तो हमको हाउस ऑफ द ड्रैगन अपने टाइम पे देखने को मिलेगा, एंड दैट इज 2024 में कभी। अब अगर इसके ट्रेलर पे बात करी जाए तो इसमें काफी अच्छे-अच्छे वाओ मोमेंट्स हमें देखने को मिले। सबसे पहले तो रेनेरा और एलिसन के बीच में जो वॉर की शुरुआत हमको दिखाई गई थी पिछले सीजन में, इस वाले सीजन में वो ज्वालामुखी अब फटने के कगार पे है। और हालांकि इसके 5 सीजन बनेंगे, लेकिन इस वाले सीजन को देख के समझ में आ रहा है कि चीजें अब और भी ज्यादा, काफी ज्यादा एक्चुअली सीरियस हो रही हैं, क्योंकि पिछले सीजन के आखिर में जो कांड हुआ था वो बहुत सारी चीजों को मोशन में सेट कर देगा इस वाले सीजन में। स्पॉइलर अलर्ट पिछले सीजन को लेकर, प्रिंस एमन का जो ड्रैगन होता है वो हमारे रेनेरा के बेटे को करके पूरा खा जाता है, उसके ड्रैगन समेत। तो इस वाले सीजन में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली वो वेगार का मोमेंट जहां पर वो पूरा का पूरा इतना बड़ा सा ड्रैगन हमको उड़ते हुए दिख रहा है। लेकिन इसके बाद एक पर्टिकुलर शॉट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, जहां पर हम हेलेना को देखते हैं जो ऐसे वेल वगैरह पहनी हुई है। और मैं लोगों के लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग सीन है। इस सीन को फेमसली कहा जाता है ब्लड एंड चीज, एंड इट इज कॉल्ड दैट फॉर अ रीजन। अब मैं इससे ज्यादा लोगों के लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि इस सीन को इस ट्रेलर में एक रीजन के लिए रखा गया है, और वो रीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं GTA 6 के ट्रेलर पे। अगर आप लोग नहीं जानते इसके बारे में तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक बहुत बहुत बड़ा ग्लोबल फिनोमेनन था, जिसके लिए पता नहीं कितने सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। GTA 5 का ट्रेलर आज से 12 साल पहले रिलीज किया गया था, और ये गेम 2013 में आया था, मतलब आज से 10 साल पहले। और अब मतलब 2023 में इसके अगले पार्ट का ट्रेलर आ रहा है, और तब से लेकर आज तक GTA 5 ने टोटल 190 मिलियन कॉपी से भी ज्यादा बेच दिए हैं। तो आप सोच सकते हो कि GTA 6 कितना ज्यादा बड़ा फिनोमेनन होगा, और हर कोई इसके लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहा था। रॉकस्टार ने इसकी पूरी प्रॉपर डेट टाइम वगैरह अनाउंस कर दिया था कि हम इस टाइम पे इसको रिलीज करेंगे, और इंडिया में इसको 5 दिसंबर शाम 7:30 बजे रिलीज हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं उठा, मैंने देखा कि ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, एंड आई थॉट व्हाट कैसे। फिर बाद में जाकर पता चला कि एक्चुअली में किसी लसन ने इसको इंटरनेट पे लीक कर दिया था, लेकिन रॉकस्टार वर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। जैसे ये लीक हुआ, इसके थोड़ी देर बाद रॉकस्टार वालों ने इसको पब्लिश कर दिया, और फिर कहा कि जाओ हमारा वाला ट्रेलर देख लो, और उस पे ऐसे धड़ाम से व्यूज आने शुरू हुए कि क्या बताया जाए। They are called Rockstar Studios for a reason. They are always prepared for this shit. लेकिन इन सब चीजों को छोड़कर अगर मैं ट्रेलर पे बात करना शुरू करूं तो ट्रेलर was absolute masterpiece. मैंने इतना बेहतरीन गेम ट्रेलर आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये सिनेमैटिक्स और गेम प्ले का मिक्सचर था जो हम लोग बहुत सारे गेम्स में अभी तक देख चुके हैं, जो मॉडर्न टाइम के गेम्स होते हैं उन सब में ये आ चुका है। गॉड ऑफ वॉर में भी था, स्पाइडरमैन में भी था, एलन वेक के सीक्वल में भी था, ये सारी की सारी चीजें हम लोग अभी तक देख चुके हैं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि इन दोनों चीजों को इतना सीमलेसली ब्लेंड किया गया था कि आप बता नहीं सकते कि कहां पे सिनेमैटिक्स हैं और कहां पर गेम प्ले किक इन कर जाता है। एंड जहां तक मुझे समझ में आया तो ये लोग गेम में भी ऐसा ही दिखाएंगे, ऑल्दो गेम सिर्फ प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स पे रिलीज किया जा रहा है, which I think is going to utilize उन दोनों की जो पूरी capabilities हैं उनको utilize करेगा। PC के लिए अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है, यही सेम चीज इन लोगों ने GTA 5 के साथ भी करी थी, उसका PC वाला वर्जन थोड़ा लेट आया था। हम लोग 23 साल बाद एक बार फिर से Vice City में जाने वाले हैं, और the city looks absolutely gorgeous, maniac। GTA 5 में ट्रेवर खेला था, तो ये सब कुछ ट्रेवर का इनटू 100 लग रहा है। ऐसा लग रहा है ट्रेवर के अंदर स्टेरॉइड्स भर के उसको पूरी की पूरी वाइस सिटी में डाल दिया है, क्योंकि सिटी के आउटस्कर्ट्स वाले शॉट्स हैं, फिर कुछ कंट्री साइड वाले शॉट्स हैं, फिर उसके बाद वो मार्शलैंड वाली जगह है, सब कुछ एकदम क्रेजी लग रहा है। फिर उसके बाद वो गाड़ी के ऊपर कोई टर्क कर रहा है, तो वाह भाई साहब, एवरीथिंग लुक्स गॉर्जियस। और मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि गेम को रिलीज होने में अभी 2 साल बाकी है, 2025 में रिलीज होगा, तब तक ये इसमें और कितना सारा इम्प्रूवमेंट कर देंगे हमको नहीं पता। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना था कहीं पर
कि ये लोग NPCs के अंदर भी AI डालने वाले हैं, मतलब हम लोग NPCs के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ लीक्स वगैरह भी निकल के आई थी गेम से पहले, इन्हीं के अंदर का कोई बंदा है उसके लॉन्डन ने लीक भी कर दिए थे। तो अभी ऐसा सुनने में आया था कि ये जो वाई सिटी है सिर्फ यही एक सिटी नहीं होगी गेम के अंदर, प्रोबेबली 3 बड़ी सिटीज होंगी, उनके अंदर छोटी छोटी सिटीज होंगी, और इसके मैप का साइज GTA 5 के मैप से ट्वाइस हो सकता है या उससे भी ज्यादा बड़ा है। आई एम ऑल अप फॉर इट ब्रो। लेकिन इस लीक के अकॉर्डिंगली ये भी बोला जा रहा था कि इसके अंदर जो बिल्डिंग्स होगी उनमें से 70% बिल्डिंग्स के अंदर आप एंटर कर सकते हो, जो GTA 5 के साथ एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी। खैर तो ये सारी तो हो गई GTA 6 को लेकर बात, आने वाला है 2025 में, मैं पहले दिन से खेलना शुरू करेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इसके 2 प्लेएबल कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूं। GTA 5 में हमको 3 प्लेएबल कैरेक्टर्स मिले थे जिन पे हम कभी भी स्विच कर सकते थे एंड इट वाज परफेक्टली सीमलेस। लेकिन उसमें माइक, ट्रेवर और फ्रैंकलिन तीनों की कहानियां एक दूसरे से डिसजॉइंटेड थी, मतलब वो अपना अपना काम करते रहते थे और किसी मिशन के लिए एक दूसरे के साथ आते थे। मैं इस चीज पे कंप्लेंट नहीं कर रहा, इट फेल्ट परफेक्ट, लेकिन इस वाले गेम में इन लोगों ने आई थिंक इस चीज को और भी ज्यादा सीमलेस कर दिया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस गेम में हमको 2 प्लेएबल कैरेक्टर्स मिलेंगे। इसमें से एक का नाम है लूसिया और उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड जो भी होगा, ये दोनों गेम के मेन कैरेक्टर्स हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हैं, तो इसी वजह से इन दोनों की स्टोरी बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से इंटैंगल्ड होंगी और हमको वो डिसजॉइंटेड वाली फीलिंग नहीं आएगी कि जब मेन मिशन की बारी आई तब एक दूसरे के साथ हो गए और बाकी दूसरे टाइम्स पे अलग-अलग काम कर रहे हैं। मतलब एक का किया हुआ एक्शन दूसरे की स्टोरी पे इंपैक्ट डालेगा एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू सी। लेकिन ये तो हो गई GTA 6 की बात जो आएगा 2025 में। अब बात कर लेते हैं द बॉयज की जो आने वाला है अगले साल, और इसके ट्रेलर को देखकर सब पे मजा आ गया। मैंने इसके ट्रेडिशनल ब्रेकडाउन इसलिए नहीं किया क्योंकि बात करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ब्रेकडाउन करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से जो कुछ भी समझ में आया, जो कुछ भी देखा और देखने में मजेदार लगा, उस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो बिली बुचर और उनके द बॉयज वापस आ चुके हैं अपनी वही क्रेजीनेस एपिक शिफ्ट के साथ, एंड आई हैव टू से देखने में मजा आ रहा है। टीजर ट्रेलर हालांकि छोटा बनाया लेकिन फिर भी काफी सारी चीजों को क्लियर कर देता है कि कौन सा कैरेक्टर किस-किस जगह पे है और क्या-क्या काम करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने पिछले सीजन के एंड में सॉर्ट ऑफ काफी सारे कैरेक्टर्स को वापस से स्क्वायर वन पे आते हुए देखा था, लेकिन इस सीजन में ऐसा लग रहा है कि दे आर बैक टू देयर ओल्ड शिट अगेन। जैसे होमलैंडर वापस से वही काम कर रहा है, बिली बुचर को एक नया साथी मिल गया जेफरी डीन मॉर्गन के फॉर्म में। अब इस कैरेक्टर के बारे में इन लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया है कि आखिरकार ये बंदा कौन होगा क्या होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ में आ रहा है कि नीगन या फिर विंचेस्टर बॉयज के पिताजी की तरह ये परफेक्टली बैडास होने वाला है, क्योंकि जो बिली बुचर के मुंह पर ये बोल दे कि बॉयज ये टट्टी नाम किसने रखा, वो बैडास से कम तो हो नहीं सकता गाइस। और इसके अलावा हम मदर्स मिल्क को देखते हैं जो किसी को 2 में स्प्लिट होता हुआ देख रहा है, तो कोई भी सीजन जो है वो अधूरा ही रह जाएगा जब तक हम मदर्स मिल्क को कोई वियर्ड शिट एक्सपीरियंस करते हुए ना देख लें और उस पे उसका रिएक्शन भी। लेकिन फ्रेंची और किमिको जो पिछले सीजन में सॉर्ट ऑफ रिटायर टाइप के हो गए थे और उन्होंने कहा था कि हम टाटा बाय बाय करके निकल जा रहे हैं, वो भी इस वाले सीजन में आ चुके हैं वापस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो भी कुछ ऐसे स्नीक नीक करके किसी जगह में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो ह्यूई और लाइट ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, क्योंकि वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से होमलैंडर से लड़ाई करने का सोच रहे हैं। बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी खड़ी करी है और वो मेरे ख्याल से स्टारलाइट आर्मी है, जो भी इसको नाम देना चाहो आप दे सकते हो। ये वो लोग होंगे जो मेरे ख्याल से होमलैंडर का विरोध करेंगे उन लोगों के सामने जो होमलैंडर के सपोर्ट में खड़े हैं, जो पिछले सीजन उसने अपने पब्लिकली ऐसे खचाक कर दिया था ना उस आदमी को। लेकिन मजे की बात यह है कि कई सारे लोग होमलैंडर को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो पब्लिकली ऐसे भिड़ंत हो जाएगी और फिर होमलैंडर खड़े होकर देख के सब हंस हंस रहा है बढ़िया तरीके से, और इस चीज को देखकर जो होमलैंडर का लौंडा है उसको भी मोटिवेशन मिल रहा है, तो उसने किसी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उठा करके फेंक दिया। आई एम 100% श्योर कि ये केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, और जब वो उठा करके फेंकेगा तो वो इंसान दीवार में जाके चिपक गया है, एंड वी कैन सी समवन शूटिंग द एंटायर सीन देयर। अब या तो ये चीज बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप होगी या हिट। अब अगर हिट हो जाती है तो इस लौंडे को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ये करने का, लेकिन अगर फ्लॉप हो जाती है तो फिर ये दूसरा होमलैंडर बनने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब चीजों में एक बहुत खास चीज और भी हो चुकी है, और वो है विक्टोरिया न्यूमैन का इलेक्शन जीतना, एंड नाउ She is in the top spot. और जिस जगह पे वो पहुंच चुकी है वहां से उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली तब जब Gen V के फिनाले में उसके हाथ इतनी बड़ी चीज लग चुकी थी। स्पॉइलर अलर्ट, जिन लोगों ने भी Gen V नहीं देखा यहाँ पर मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो यहीं रुक जाना, थोड़ा स्किप कर लेना। तो Gen V के फिनाले में हमने देखा कि विक्टोरिया न्यूमैन के हाथ में एक ऐसा वायरस लग जाता है जिसका इस्तेमाल करके वो सूप्स को जान से मार सकती है खतरनाक तरीके से। अब आई डोंट नो कि सीजन 4 में ये चीज कितना प्ले में आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से इसको लेवरेज करके वो होमलैंडर को ब्लैकमेल जरूर कर सकती है, बिकॉज होमलैंडर से उसको डर लग रहा था पिछले सीजन में। लेकिन जितना हम लोगों ने इस टीजर ट्रेलर में देखा तो होमलैंडर एब्सोल्युटली फियरलेस भटक रहा है पूरी दुनिया में, और उसको जो वो कर रहा था वो खुले आम करने की और मोटिवेशन मिल चुकी है,
प्लस नए सूप्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है जिसमें से पहली का नाम फायर क्रैकर है। मुझे लगता है कि जो अमेरिका में वो जो पूरा वाली चीज चलती है उसको लेकर के एक पैरोडी बनाई है इन्होंने। प्लस ऐसा बोला जा रहा है कि होमलैंडर की बहुत बड़ी फैन होने वाली है। प्लस उसके साइड में अगर आप नोटिस करोगे तो इस वाली सूप का नाम सिस्टर सेज है। अब इसकी पावर्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन इस पूरे टीजर ट्रेलर में इसी की वॉइस ओवर चल रही है पीछे, तो ये मुझे लगता है कि होमलैंडर को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। एंड लास्ट टाइम जिसने कोशिश करी थी तो उसके लिए इतने अच्छे से नहीं गया भाई। Who knows, ये स्टॉर्म फ्रंट का रिप्लेसमेंट बन जाए हमारे मतलब हमारा तो नहीं है पर होमलैंडर के लिए। एंड क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर शो की ओरिजिनल है, कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये भी बताता है कि अब ये लोग कॉमिक बुक से बहुत ही ज्यादा नए टेंजेंट पे मूव कर चुके हैं और जो कुछ भी कॉमिक बुक्स में हुआ था उसको अलग साइड में हटो, हम हमारा नया बनाएंगे। बिकॉज ब्लैक नोआ वापस आ चुका है जो उसके साथ पिछले सीजन में हुआ था, उसके बाद कैसे आई हैव नो आइडिया ब्लैक नोआ को वापस लेके आ चुके हैं और उसको स्टेज पे खड़ा करके उसके साथ पता नहीं क्या करवा रहे हैं। He's absolutely fine with it. पता नहीं क्या चल रहा है इधर भाई। हालांकि Black Noir बस एक टाइटल है और फेसलेस सूप भी, तो he could be anywhere. तो कुल मिलाके Boys के सीजन 4 का टीजर ट्रेलर देख के मजा आया, लेकिन इसके साथ ही साथ इसको देखकर ये भी लग रहा है कि this show is nowhere close to ending. ये लोग एंडिंग के आसपास भी नहीं भटक रहे हैं। Amazon वालों को एक सोने की खदान मिल चुकी है और इसको खोदते जाएंगे जब तक इसमें से सोने की जगह कोयला ना निकलने लगे। क्या पता तब तक भी खोदते जाए, आजकल तो उसकी भी कमी है मार्केट में। लेकिन माय पॉइंट बीइंग दिस सीजन डज नॉट लुक लाइक अ क्लोजर एट ऑल, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो बस अभी शुरू ही कर रहे हैं क्योंकि जितने भी सूप्स का काम डाला था वो वापस आ चुके हैं और वही क्रेजी शिट हो रही है। खैर देखते हैं व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ये थे मेरे थॉट्स एंड ओपिनियंस, अब आप सब अपने को बताना कि आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे, पसंद आ लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और हाँ सब्सक्राइब करने का भूलने का नहीं। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज आ शिट हियर वी गो अगेन।